शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुन मेरी बात। अच्छा बोल, तू बोल ना। मैं तो बोल। नहीं नहीं बोल बोल ना। हीरोइन मिले तो हीरो में बनूंगा, लेकिन सिर्फ एक शो के लिए। अगला शो मैं बनूंगा। ओके, वरना वो बुड्ढा हीरो बन जाएगा। बॉने ने बोला था कि यहाँ पर आएंगे तो कुछ हिंदुस्तानी लोग मिलेंगे, फिर दोस्ती वोस्ती होगी, फिर वो हीरोइन से मिलाएंगे। यहाँ तो कोई अपना नजर नहीं आ रहा। देख देख अरे मुझे नहीं, उधर देख। I think these are the people. Come. पूछ। भाने ने बोला था पहले ये लोग पूछेंगे। अच्छा, अरे अरे हम लोग अरे अरे वाच सर। पूछ 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 जी। वो हीरो हीरोइन हीरोइन मत बोल, पुड़िया बोल, पुड़िया गुड़िया पुड़िया पुड़िया बोल रहा भाई। पुड़िया पुड़िया हाँ पुड़िया है है। पैसा लाए? हाँ हाँ लाए लाए लाए। पुलिस पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेट्स गो। अरे पकड़ो ना भागे। Who's that? हम है बॉस। ओह कब कब कमिंग कमिंग। बॉस डील सक्सेसफुल हो गई। शाबाश, वेरी गुड। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हुई थी बॉस, पुलिस वहां पर आई थी। पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? वो हमें नहीं पता। बट वी एस्केप्ड। थैंक गॉड। बैग खोलो खोलो। एक्सक्यूज मी बॉस। वल्ला ये चड्डी चांगिया पैंट शर्ट ये सब क्या है? पैसा कहाँ है? बॉस हमने बैग तो बराबर एक्सचेंज किया था, कोड वर्ड भी सेम टू सेम बोला था। हमने बोला माचिस है, उसने माचिस दिया। मैंने बोला पुड़िया, उसने बोला पुड़िया। अरे पुड़िया बोला था कि गुड़िया बोला था? ये सब क्या है? पुड़िया बोला था। मनु भाई गांधी हियर क्या? अब समझा, हमारा सारा माल पुलिस ने पकड़ा। पुलिस?
ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा हुआ है, अभी अभी शेर खान ने मुझे बताया कि उनके लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मार मार के उन लोगों से कोडवर्ड उगलवाया होगा। इसका मतलब ये है कि वो साले कमिश्नर जेडी मेहरा ने हमारी ड्रग डीलिंग पकड़वाने के लिए हमारे पीछे इंडियन सीआईडी को लगाया। तुम लोगों ने जिनके साथ डीलिंग की वो खुफिया पुलिस थी। यस बॉस। देखो मेरी इमेज यहाँ पे एक एक बहुत बड़े बिल्डर की है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। हाँ तुम लोग बाहर जाओ और सावधान होके जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पे। गेट आउट बॉस, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। वन कॉफी प्लीज। ये कमाल का शहर है यार, पहली बार ऐसा चोर देखा जो मेरा बैग लेके और अपना बैग छोड़ गया। अरे उन लोग चोर नहीं है, उन लोग कुछ और थे। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। मैं क्या बोलूं, बैग बैग खोल के देखे बैग। नहीं नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर बहुत पब्लिक है। तो कहाँ? कोई ऐसी जगह चलते जहाँ कोई ना हो। ना चलते इधर, इधर चल। कौन? बॉस 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 हमें बचा लो, बॉस हमें बचा लो। सही बस, क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो खुफिया पुलिस हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। क्या? यस बॉस, हमने अपनी इन आंखों से उनको इस होटल के अंदर आते हुए देखा है। अरे बेवकूफ, तू तो यहाँ क्यों आया मुझे मरवाने के लिए? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा। ये क्या है सफेद सफेद आटा? आटा 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 आटा, ये ड्रग्स है। ड्रग्स? इसको लेकर नशा चढ़ जाता है। ये तो लफड़ा है। हाँ, इन लोगों ने गलती से दे दिया हमें। तू बहुत झलझली किस्म का लफड़ा है, इसको उपाय क्या है? बंद कर, बंद कर। ए रुक रुक रुक, इस बैग का क्या करें? सोचने दे। क्या सोचने दे? इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं, ये बैग रख लेते हैं, कपड़े रखने का काम आएगा। अच्छा बैग है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मालूम है इसकी कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। अबे ढोलकी के, मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर के माल की बात कर रहा हूँ। ये कचरे का 1 करोड़ रुपया तूने मेरे को ये ना समझाया क्या? हाँ। ए तीसरी फेल पीटी पास, मैं बी इंग्लिश हूँ समझे? ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनना। अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले, कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछवाड़ा उठा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे दो गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे। क्या बोलता है, इस माल को बेच दे? हाँ बेच दे बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पर दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। पब्लिक आएगी क्या? आएगी ना, वर्दी पहन के आएगी। पुलिस Excuse me, where's the police station here, please? Where I'm from, Russia. Don't ask me stupid questions. क्या 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 बोला ये? इधर आ, तू इधर आ। और तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी। नहीं नहीं, अपन एक काम करते हैं, हम लोग इस कचरे को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और अपन कचरे से बाहर आ जाते हैं भाई। अच्छा अच्छा मेरी बात सुन, चल अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को सारा सामान देते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि हम लोग हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस रहे हैं। दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है तेरा? उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यू मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास? ए हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस। नहीं नहीं फिर भी हमारा भी सोचना जरूरी होता है। टैक्सी जल्दी आओ, मुंह रख जल्दी आओ।